पानी पे रहे थे तो उस दुकानदार का भाई वहाँ पे रुका था, तो वो वहाँ से गया एक फोन लेके और 1,00,000 रुपया लेके जेब से फटाफट लेके गया और ऊपर से लड़कियों को मारा और लड़कों को मारा। टूरिज्म के साथ यही करते हैं आप। हमारी अपील एसपी साहब एसएसपी के साहब सामने पहुँचा दीजिए। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? कहाँ? कश्मीर श्रीनगर से है। हम यहाँ पे घूमने आए, हम यहाँ पे मार पिटवाने के लिए नहीं आए हैं। आप हमारी लड़कियों के साथ देखो कितना मारपीट किया है। किस चीज से मारपीट करी जी? जी उन्होंने डंडों से मारपीट की है, उन्होंने हाथों से वो ये हथियार लेके आए हमारे पास, हथियारों से मारा उन्होंने, चाकू लेके आए वो हमारे पास। कितने जने थे जी? हम अभी 15 लोग थे, 15 में से 4 को मारा है उन्होंने, 2 लड़कियों को और 2 लड़कों को बहुत पीटा उन्होंने। कितने जने थे मारपीट करने वाले जी? वो लगभग 4-5 बंदे थे। वो एकदम फटाफट एक ही बात है सबकी, इसलिए वो एकदम फटाफट एक ही समय में सब पहुंच गए। कहाँ चोट आई आप लोगों को? जी दीदी को भी लगी है सर, हमारे मिस को लगी है, जीजू को लगी है। आप देखिए खुद हॉस्पिटलाइज्ड है वो, जो हॉस्टल में अभी जो पैसे थे जो ले गए हमारे वो सब ले गए, कुछ भी नहीं रखा। सर कहाँ जाएंगे बताइए आपका? जी मेरा नाम आमिर है, श्रीनगर। ये धान मंडी के नुक्कड़ पर सोडे का ठेला लगाते हैं, गणित जी सोडे की दुकान कैमरे चलाते हैं। इनके शॉप पर ये सोडा पीने आए और पता नहीं मतलब इनका कहीं मोबाइल कहीं गिर गया भीड़ के अंदर दरगाह के अंदर, और आकर के उससे सीधे ही कि भाई हाथ भाई करने लगे। भाई तुम मेरे से क्यों झगड़ा कर रहे हो?
इतने घंटे उनका ठेला तोड़ दिया, उनके मटके फोड़ दिए, उसके जलजीरे के उस पर हाथ उठाया, चार पांच जनों ने मिलकर मारा उसको। फिर वहाँ खड़े हुए थे चार पांच लोग, मेरा लड़का भी वहीं खड़ा था, करण केशु, उसने बीच बचाव किया तो उस पर भी हाथ उठाया इन लोगों ने। वहाँ भीड़ लग गई, उसके बच्चा फिर मोहल्ले की आसपास की जो लेडीज थी वो आई भीड़ के अंदर, उनके साथ भी धक्का मुक्की करी है सबने। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है, सब कंफ्यूजन ही हुआ है। और जबकि वो बच्चे बिल्कुल सीधे हैं, सब जानते हैं उनके बारे में, और उल्टे वो सब जाहिरों की राहगीरों की मदद ही करते हैं। कभी कुछ ऐसा कुछ उल्टा सीधा उन्होंने कभी ऐसा कुछ करते नहीं किया। आरोप लगाया गया है मोबाइल का और 1,00,000 रुपए की नकदी गायब हुई है। तो अभी 1,00,000 रुपए जेब में लेके घूम रहे हैं, और मोबाइल कहाँ गिराया, कहाँ खोया, किसी भी उल्जाम लगा देंगे क्या? कहाँ हुआ था ये विवाद? और ये तो इनकी दुकान पे जाकर के इन्होंने, कहाँ पर हुआ था ये? धान मंडी, धान मंडी नुक्कड़ पे, जहाँ पर दुकान लगा, इनकी दुकान पर आकर के अटैक किया इन्होंने। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पृथ्वीराज है। व्यापारी हो आप? नहीं, मैं वही रहता हूँ, व्यापारी हूँ। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो? आप आगे आओ। जी हम घूमने गए थे। रुको रुको रुको, आप बताइए क्या मामला हुआ, किसने मार दिया? चले, हमारा टूरिस्ट है जी, हम यहाँ दुकान पे चढ़े थे, कुछ हमने उनको सीधे बोला कि हम ये काम गया, वो उसने बोला कि थोड़ी चोर है कि ये भाग जाएगा, वो भाग गया था, जिसने मोबाइल लिया था इसको मारा, मेरी दूसरी इस भाभी को मारा, बहुत जोर से मारा, फिर ये लोग भाग गए, हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, फिर वो पीछे से और आए, फिर और मारा, फोन लिया, 1,00,000 रुपया लिया, और चाकू से मार रहे थे, इन सबको मारा। कितने जने थे, किस बात को लेके मारपीट हुई थी आपकी? बस इतना हमने उसको बोला कि दुकानदार यहाँ कहाँ गया, उसने बोला कि ये थोड़ी चोर है जो ये भाग जाएगा, उसने खुद बोला, उन लोगों ने मोबाइल लिया था और 1,00,000 लिया और इन सबको मारा। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? जी हम श्रीनगर। कश्मीर। कितने जनों के साथ मारपीट हुई है आप लोगों को? कितने जनों के साथ मारपीट हुई है? सर चार पांच, चार पांच आदमी के साथ। लेडीज ज्यादा, लेडीज को सिर्फ ज्यादा मारा, दो तीन मार। नाम बताइए आप अपना। खुशबू। लेडीज भी मतलब जेंट्स भी हाथापाई करने लगे, मतलब लेडीज को भी नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हाथापाई करने लगे हैं लेडीज के साथ। क्या मामला क्या हुआ? बच्चों पे हावी, जिसको देखे जिसको पकड़ रहे, वो तो भाई बाबा के दरबार पे आते हैं, सब पे हाथ उठा रहे, वो हावी हो रहे सब पे। बाबा के दरबार पे आते हो तो इबादत करके जाओ ना आराम से। कितने लेडीजों को इनकी तरफ से मारा गया या मारपीट हुई? मारपीट तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, भीड़ को देख के ही हम गए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कुमार बोले से हूँ।